सरकार आ तो गई, अब अनुच्छेद 370 का क्या होगा? बड़े अहम हो गए हैं कुछ सवाल। भाजपा का दशहरे से पहले विजय उत्सव मनाने का सपना साकार नहीं हो सका। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर 10 साल बाद फिर सरकार बनाने का जनादेश हासिल कर लिया। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के बाद हुए इस चुनाव के नतीजे बड़े संदेश देने वाले हैं। नतीजों के बाद कई सवाल भी उभरे हैं, जिनके जवाब पर सभी की निगाहें होंगी। 6 साल से उपराज्यपाल या LG राज देख रहे लोग निर्वाचित और स्थिर सरकार चाहते थे। पूरे चुनाव के दौरान जगह जगह ब्यूरोक्रेसी के व्यवहार के उलहाने व शिकायतें सुनने को मिली। नतीजों का पहला संदेश यही है कि जनता ने स्थिर सरकार के लिए NC व कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत से चुना, अपनी ओर से जोर तोड़ का मौका नहीं दिया। कश्मीर और जम्मू के मतदाताओं ने इस बार भी अलग अलग मिजाज व मुद्दों पर वोट किया। मुस्लिम बहुल कश्मीर के मतदाता अपने मुख्यमंत्री व संभाग के हितों को ध्यान में रखकर वोट करते आए हैं। अब तक सभी मुख्यमंत्री कश्मीर से ही हुए हैं। इनमें NC के अब्दुल्ला परिवार से अकेले 6 बार, NC सहित कश्मीर घाटी की ज्यादातर पार्टियों ने अनुच्छेद 370 बहाली के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। यहाँ के मतदाताओं ने एकजुट होकर वोट किया और NC को 35 व गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस को 5 सीटें देकर उनकी झोली भर दी। दूसरी ओर हिंदू बहुल जम्मू के मतदाता पार्टी से ज्यादा प्रत्याशियों को देखकर वोट करते आए हैं। वो कश्मीरियों की तरह एकजुट नहीं होते, इस बार भी यही रुख रहा। जम्मू के वोटरों ने न सिर्फ भाजपा को बल्कि NC, कांग्रेस, आप और निर्दलियों को भी गले लगाया। आपको 29 सीटें दी तो NC को 7, कांग्रेस व आपको 1-1 तथा निर्दलियों को 7 सीटों पर जीत दिलाई। भाजपा को जम्मू की सरकार का नारा देने का फायदा जरूर मिला। जम्मू जिले की 11 सीटों में पार्टी को 10 सीटें मिली। पिछली बार जीती कुल 25 सीटों के मुकाबले इस बार 29 सीटें जीत ली, लेकिन जम्मू संभाग में उम्मीद के हिसाब से सीटें नहीं पा सकी। भाजपा को यहां से करीब 35 सीटों की उम्मीद थी।